मारपीट होगी उनके यहाँ, देख लीजिएगा जब ये बैठक होगी, देखिएगा कपड़े कुर्ते फाड़े जाएंगे एक दूसरे के। मोदी के उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा जोगी मत उजाड़, ज्यादा जोगी जहां होते वहां मत उजड़ जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का अंत होना की शुरुआत हो गई है। रानी ने शुरुआत कर दी है, उन्होंने सामने आकर कर दिया, कुछ लोग बैक पीछे कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजस्थान से आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में परिप्रेक्षकों की मीटिंग होनी थी और अब खबर ये आ रही है कि कैंसिल हो गया है। इस खासा मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदम प्रताप शाही जी मौजूद हैं। बैठक चल गई है सर, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर दो लोगों का अहंकार है, जो सेंट्रलाइज्ड वे से काम करते हैं, उसका परिणाम आपको दिखने लगा है। जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, उन्होंने जिस तरीके से चारों तरफ हर राज्य में के मंत्रिमंडल, तो उनका कोई मतलब नहीं है वहां पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो ही लोगों की चलती है। जेपी नड्डा कहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी कुछ नहीं चलता है, जो होता है यही दो लोग तय करते हैं। पहली बार मुझे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दो राज्यों में, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि तमाम सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, जो जीत गए, जो हार गए वो तो हार गए, और जो जीत गए उनका जो है उनका इस्तीफा ले लिया गया, उनके मंत्रिमंडल से उनको जो है छुट्टी कर दी गई। अब वहां भी पेच फंसेगा, यहाँ भी पेच फंसेगा, क्योंकि यहाँ भी तमाम सांसदों का इस्तीफा ले लिया गया, बाबा बालकनाथ का, दिया कुमार का, राजवर्धन सिंह राठौर का, और भी कई और लोग लाइन में है जो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि दो तीन बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी, तो दो बार मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात होती, छोटी बात तो होती नहीं। और दो बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, पिछली बार भी मुझे मालूम है 2018 के चुनाव में भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उनको स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की थी, जिस तरीके से किनारे करने की कोशिश की थी, और 2018 से लगातार वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश गई है उनकी पार्टी के अंदर। और मुझे लगता है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या है, वह वहां पर एक जनता के, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग अपने पॉकेट्स के नेता होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के नेता हैं, बाबा बालकनाथ तिजारा के नेता हैं, या अलवर के मान के चलिए आप, दिया कुमारी जयपुर की राजघराने की, जयपुर की लोकसभा की नेता है, राजवर्धन सिंह राठौर भी उसी के अगल बगल के एक लोकसभा के नेता है, तो ये लोग बहुत बड़े नेता नहीं है। लेकिन अक्रॉस द आप स्टेट पर जाएंगे तो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता है वहां पर, तो वह जन नेता के बीच में, इन लोगों के बीच में, जो अगर देखें, मैं कांग्रेस पार्टी में होने के बाद भी बता रहा हूँ कि नेता अगर कोई है तो वहां पर वसुंधरा राजे है, जो जनता के बीच की जन, इसलिए मुझे लग रहा है शो ऑफ स्ट्रेंथ वहां पर दिखा रही है। और ये एक बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बना लेते हैं, लेकिन वह पिछले एक हफ्ते से गुड़ागड़िती करने पर है कि कोई मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा है। अगर यही कांग्रेस पार्टी अगर तेलंगाना में जिस तरीके से हमने 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री बना भी दिया, सीएलपी का लीडर चुन भी लिया, हमने मुख्यमंत्री बना भी दिया, 48 घंटे के अंदर सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाए। जो आप पर्यवेक्षक की बात कर, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, और मुझे लग रहा है एक और कोई जा रहे थे, विनोद तावड़े, अब ये लोग जा नहीं रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई? चलो राजनाथ सिंह को मान लिया कि राजनाथ सिंह का कोई कार्यक्रम लग गया था तो सरोज पांडे चली गई, तो विनोद तावड़े चले गए होते, या किसी और को भेजे, अमित शाह खुद चले जाए, नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे? तो आपको सर ये लग रहा है कि, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी कोई पेच फसारती हुई नजर आ रही है क्या इस पूरे मसले पे? मुझे ये लग रहा है कि 2019 में, आपको याद होगा 2019 में महाराष्ट्र में जब इनके अलायंस के पार्टनर शिवसेना इनसे टूटी थी, वो क्यों टूटी थी, उद्धव ठाकरे इनसे क्यों अलग हुए थे, इन दोनों लोगों की जो अहंकार है, जो इन दोनों लोगों का व्यवहार है, वो ठीक नहीं है। यह लोग तानाशाही रवैये की तरह काम करते हैं, और कोई भी जो भी राजनीति में है तो वह भाई जनता के बीच से चुनकर अगर आ रहा है, जनता से वोट लेकर आ रहा है, तो वो केंद्र में, ठीक है केंद्र में आप आज आज मुख्यमंत्री बन, आप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उसके पहले आप भी मुख्यमंत्री थे,
उस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी 2003 से 2008 के बीच में, तो नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे भाई, 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री, तो 2013 में नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, उस वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री थी। आज नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या चारे जो उनके साथ के, जो उनके साथ में काम करने वाले चीफ मिनिस्टर्स जो काम करते थे, जो उनके ही पार्टी के काउंटर पार्ट थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान थे चाहे वो थे, क्या आप उनको एकदम नष्ट नाबूद कर दोगे, क्या आप उनको एकदम खत्म कर दोगे? तो यह जो चीजें जब होती हैं तो आपको वहां पर संघर्ष होगा और ये संघर्ष बहुत आगे जाएगा और ये विद्रोह के तौर पर देखा जाएगा। देख लीजिएगा इसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह अभी तो जो दिख रहा है, या आने वाले 4-5 महीने में आपको लगातार, क्योंकि अब नरेंद्र सिंह तोमर को आप लेके गए हो, प्रहलाद पटेल को यहाँ से इस्तीफा दिला के ले गए हो, उधर कैलाश विजयवर्गीय को ले गए हो, अब ये क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे? वहां राकेश सिंह भी लगे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, सिंधिया भी हैं, यहाँ भी आपको मैं 4-5 नाम, तो ये विद्रोह की ओर बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा जोगी मठ उजाड़, ज्यादा जोगी जहाँ होते वहां मठ उजड़ जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का अंत होना और नरेंद्र मोदी की सत्ता के अंत होने की शुरुआत आप समझ। प्रबल प्रताप शाही जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इतनी बड़ी मजबूत इरादे की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और है भी, सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई क्यों कि एक हफ्ता लगभग समय निकल चुका है और क्या ऐसा पेच फंस गया है कि उससे भारतीय जनता पार्टी उभर ही नहीं पा रही है और सीएम नहीं दे पा रही है राजस्थान का? आपको याद होगा कर्नाटका का जब चुनाव का रिजल्ट आया था और 3-4 दिन लेट हुआ था, यही गोदी मीडिया रोज बता रही थी ये टुकड़ा हो गया, वो फ्रैक्शन हो गया, ये कांग्रेस पार्टी टूट गई, ये हो गया वो। वहां पे हम मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई झगड़ा नहीं था, वहां पर हम अपने जो गारंटी दिए हुए थे उसको लेकर हम तैयारी कर रहे थे कि जैसे हमारी सरकार बनी हम गारंटी। यहाँ पर कोई गारंटी की बात नहीं हो रही है कि कोई होमवर्क नहीं हो रहा है, होमवर्क इस चीज का नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कह रहे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 450-400 रुपए का सिलेंडर दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी, इस पर कहीं बातचीत हो रही है? कहीं नहीं चर्चा हो रही है क्या? जो वहां पर गारंटी जो चिरंजीवी योजना थी 25 लाख की, क्या वो कंटिन्यू होगी कि डिसकंटिन्यू? जो अशोक गहलोत की सरकार ने, जो पूर्व की हमारी जो सरकार अभी जो हार गई है, जो हमारी जो सरकार अभी नहीं रही है, जो क्या वो रहेगी कि नहीं रहेगी? मनरेगा की योजनाओं में जो पैसा जा रहा है वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर कहीं चर्चा नहीं। चर्चा किस चीज पर हो रही है? होमवर्क किस चीज पर हो रहा है? होमवर्क एक चीज पर, मुख्यमंत्री किसे बनाए? यानी सत्ता लोलुप अगर कोई पार्टी है तो वो सत्ता लोलुप अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और कोई पार्टी नहीं। वहां पे सत्ता को लेकर संघर्ष है, मुख्यमंत्री पद को लेकर संघर्ष है, जनता को दिए हुए वादों को पूरा करने के लिए कहीं होमवर्क नहीं हो रहा है, कहीं कोई कहीं दिख रहा है आपको कहीं चर्चा है कि ये मंत्रिमंडल की बातचीत होगी या ये जो गारंटीज हैं इन गारंटीज का क्या होगा, जो वायदे किए संकल्प लिया, कहीं कोई कोई बात नहीं हो रही। अच्छा अच्छा एक सवाल, अच्छा प्रबल जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर जो भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, जो भी ये निर्णय लेंगे कि मतलब राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा जो है चेहरा आ सकता है, नहीं वो वसुंधरा राजे को भी मतलब ना होंगी, ना ही बाबा बालकनाथ होंगे, ना ही जो मतलब कोई ऐसा चेहरा होगा, चेहरा जो भी होगा बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला चेहरा होगा, मतलब ऐसा कौन सा चेहरा है? अगर ऐसा कुछ होगा भी तो फिर वसुंधरा राजे जी को पीछे करने की क्या वजह हो सकती है अगर ऐसा अगर होता है तो? भाई भाई वहां पर 7-8 लोग हैं उम्मीदवार, वो मेघवाल जी हैं जो मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, वो हैं, तमाम लोग तो हैं, अश्विनी वैष्णव जी है, अश्विनी वैष्णव है, अब किसको बनाओगे मुख्यमंत्री? एक अनार 100 बीमार स्थिति है वहां पर, एक अनार 100 बीमार है, तो वहां पर तो लड़ाई होनी है, लड़ाई की शुरुआत हो गई है, रानी ने शुरुआत कर दी है, उन्होंने सामने आकर कर दिया, कुछ लोग बैक पीछे कर रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं आए ना, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में दिल्ली तो आए नहीं, वो वहीं घूम रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों? बाकी लोग तो आए दिल्ली, जितने लोग चुनाव जीते वो क्यों नहीं गए, वो नहीं मिल रहे हैं? इसका अर्थ है कि उन्होंने सीधे चैलेंज कर दिया है नरेंद्र मोदी को, सीधे चैलेंज मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान से मिल रहा है और वसुंधरा राजे से मिल रहा है। अब नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वह अपने आंतरिक कलहों से भी जाएगी,
जनता से तो जनता का तो जो दुर्गति कर दिया नरेंद्र मोदी ने वो तो कर ही दिया है। अब आपको एक और चीज बात बताइए, अभी तक यह तमाम पिछड़ों की बात करते हैं, तमाम लोगों की बात करते हैं, बाबा बालक नाथ को लगाकर यादवों का वोट ले लिया इन्होंने तिजारा के इलाके में, हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के इलाके में, लेकिन यही डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो नौजवान साथी हमारा है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पर था, जो 14 वर्षों से पढ़ा रहा था जाकिर हुसैन कॉलेज में, उसको निकाल दिया, क्या वो यादव नहीं है, वो पिछड़ा नहीं है? नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा बनाते, जो नकली पिछड़ा है, 2002 के पिछड़े, वो तो असली पिछड़ा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक इलाके से आता है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और उसके बाद उसका परसेंटाइल एपीआई में 96% है, उसको उस बियाब पर नौकरी मिली थी, उस नौकरी को छीन लिया उस नौजवान से, क्योंकि वो इनकी उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलता है। यानी अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलोगे तो हटा दिए। क्या राजनाथ सिंह प्रोफेसर नहीं? क्या उनकी पार्टी में और सारे प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी नहीं थे? क्या ये लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाते थे? और भी सारे लोग थे, बहुत सारे लोग पढ़ाते थे, और प्रोफेसर यहाँ पे विजय कुमार मल्होत्रा थे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद राजनीति भी करते थे, तो वह लोग क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ किसी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने या किसी और विपक्ष, जब जनता पार्टी की भी सरकार या जनता दल की भी सरकार रही, विजय कुमार मल्होत्रा की जॉब तो नहीं गई, राजनाथ सिंह की जॉब तो नहीं गई, प्रोफेसर इनका मुरली मनोहर जोशी की जॉब तो नहीं गई, लेकिन यह क्या है? क्योंकि संघ अपना जो है एजेंडा चलाना चाहता है, संघ जो है दिल्ली विश्वविद्यालय पर भारत के तमाम विश्वविद्यालयों को कब्जा करना चाहता है, और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कॉलेजों से और विश्वविद्यालयों से बाहर करना चाहता है, वो कोशिशें हो रही हैं। इस देश के पिछड़ों को भी समझना होगा कि यह स्थिति क्या है वर्तमान समय में। लेकिन प्रवर प्रताप शाही जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो है पार्टी के जो आला कमान है वो क्या वसुंधरा राजे जी से डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या फैसला नहीं ले पा रहे? 2017 में जब कोई पर्यवेक्षक वहां के प्रदेश के प्रभारी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो गए तो उनसे बात ही नहीं करती थी वसुंधरा राजे, और यहाँ तक वो इनसे भी बात नहीं करती, अमित शाह और मोदी से, तो वहां पर प्रकाश जावड़ेकर जी को लगाया क्योंकि मराठी बोलते थे, क्योंकि आपको मालूम है ना सिंधिया लोग मराठी भी हैं, ये लोग जलगांव इधर से कहीं से आए हुए हैं, सतारा के इलाके से, तो ये लोग मराठी, तो ये मराठी भाषा में बोलते थे, तो वह उनसे कन्विंस होती थी तो बातचीत करती थी। तो वह इतनी आसान लेडी नहीं है कि जिनको ये लोग जो है जिस तरह चाहेंगे उस तरह कर लेंगे, ये रमन सिंह नहीं, ये वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया का एक अलग कैरेक्टर है, वो लड़ने वाली लेडी है, ठीक है वो हमारे विचारधारा के विपरीत है, वो हमारे राजनीतिक विरोधी है, लेकिन जो उनके अंदर प्लस पॉइंट है वो यही है कि, और देखिए नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी इससे साबित होता है। अब देखिए क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो जब आप लोकसभा का, जब संसद का उद्घाटन करते हैं तो आप उनको नहीं बुलाते, क्योंकि वो आदिवासी महिला है, इसलिए आप उनको नहीं बुलाते, महिला होने के कारण तो नहीं बुलाते। और अब महुआ मोइत्रा है, वो अडानी के खिलाफ बोलती है, तो उनको जो है अनर्गल उनके आरोप लगाकर उनको जो है एथिक्स कमेटी से बाहर करा दिया, लोकसभा से बाहर कर, क्योंकि अडानी और मोदी के रिश्तों पर उन्होंने सवाल उठा दिया। अब अडानी और मोदी और अमित शाह से वसुंधरा राजे की नहीं पटती, उनकी बात नहीं मानती, इसलिए वसुंधरा राजे को निकाल दिया। सवाल यही से मतलब उठ रहा है प्रणव प्रताप शाही जी की विधायकों को, विधायक जो है उनका अच्छा खासा समर्थन वसुंधरा राजे जी को है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या फिर एक्सपर्ट भी जो इस तरह मान रहे कि आला कमान साहब पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए वसुंधरा राजे अब तक पसंद होता तो अब तक घोषित कर दिया जाए। यही तो तानाशाही होती है कि जिसके साथ संख्या है उसको आप दरकिनार करके, जिसके साथ बहुमत है लोकतंत्र में, जिसके साथ बहुमत है उसकी बात माननी चाहिए ना। तो यानी आपके अंदर अगर आपके पास, उनके पास 60-70 विधायकों का अगर उनके पास समर्थन है, तो वह क्यों उसको दरकिनार करके दूसरे को बना रहे हैं? ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और नरेंद्र मोदी बाहरी लोकतंत्र की हत्या नहीं, इंटरनल आंतरिक लोकतंत्र की भी हत्या करते रहते हैं। आप देखिए हर जगह के जहां भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, या किसी को चीफ मिनिस्टर बना दे तो किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और अभी जो वो जो उधार की सिंदूर का जो सरकार बनी है सिंधे के साथ, उसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं होता है कि चीफ मिनिस्टर उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दोगे? जो केंद्रीय कृषि मंत्री
वो केंद्रीय कृषि मंत्री है, वो आज जो है विधायक बन गया, क्या स्थिति है, क्या हैसियत रखते हो? यानी आप जो है अपने समानांतर किसी व्यक्ति को आना नहीं देना चाहते, अपने से ऊपर किसी को आगे आने नहीं चाहना चाहते, जो आपसे मजबूत छत्र उसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते। इससे यही ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी लोगों से डरते हैं कि कहीं शिवराज सिंह चौहान उनका उनके अल्टरनेट न बन जाए, कहीं वसुंधरा राजे न अल्टरनेट बन जाए, आने वाले समय में कहीं उनको उनकी सत्ता को कहीं चैलेंज ना कर दे उनके पार्टी के अंदर नंबर दो। और ये लड़ाई नंबर दो की हो, सुन लीजिए, अमित शाह सबको ठिकाने लगा रहे। अमित शाह ने पहले देवेंद्र फडणवीस को ठिकाने लगाया उप मुख्यमंत्री बनाकर, अब वो योगी आदित्यनाथ को भी ठिकाने लगाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद वह शिवराज सिंह चौहान को भी लगा रहे, क्योंकि 18 साल से वो मुख्यमंत्री, वो ठीक हमारे विरोधी है, 18 साल से उनकी कभी सरकार है, लेकिन नए मुख्यमंत्री 18-19 साल से। वैसे वसुंधरा राजे 2 टर्म की मुख्यमंत्री नहीं है, 2003 से 2008, 2013 से 2018 तक 2 टाइम की मुख्यमंत्री नहीं है, और कई बार वो सांसद रही और मंत्री भी रही, केंद्र में मंत्री भी रही। तो आप जो है वसुंधरा राजे को भी ठिकाने लगा रहे हैं, आपने रमन सिंह को भी ठिकाने लगा दिया क्योंकि 15 साल हो भी, ये लड़ाई हो रही नंबर दो की। यह मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो वह पहले उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, और उसके बाद जो है आडवाणी को, सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब जो उनके मोदी के समकक्ष जो भी आसपास हैं, मोदी से 2-4-5 साल छोटे हैं या 2-3 साल छोटे हैं, जो उनके समकक्ष राजनीति करते रहे, उन सबको किनारे अमित शाह कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियां होने अच्छा जा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी में नंबर दो की लड़ाई बहुत तेज हो रही है, बहुत जबरदस्त हो रही है, मोदी के उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है। अब आप अच्छा समझ लीजिए, मोदी के सर उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है ये, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हो गई, ये मैं आपको बता। अच्छा सर, आज पूरे दिन से खबरें चली कि वसुंधरा राजे जी अपने आवास पर लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, वो सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि वसुंधरा राजे जी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी में हैं कि उनके साथ कितना बल है अभी भी विधायकों का? देखिए, जो जो भी मुझे जो बातचीत में पता चला, 60 से 70 विधायक उनके संपर्क में, पार्टी के अंदर भी और जो जीते हुए कुछ निर्दलीय विधायक भी, तो 60 से 70 विधायक अगर जिसके कार जिस जिसके पास होंगे तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन तो जरूर करेगा। राजनीति में ये होता भी है, जिसके पास ताकत होती वही दिखाएगा, जिसके पास ताकत नहीं होगी वो क्या दिखाएगा। तो उनके पास ताकत है, 2 टाइम की मुख्यमंत्री रही है, और अपने दम पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां खड़ा भी किया राजस्थान। ऐसा नहीं है, राजस्थान में एक समय भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में राजस्थान में इनकी भूमिका रही। ठीक है, पिछली बार वो हारी भी, वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह नरेंद्र मोदी अपने ही पार्टी के अंदर लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं, आंतरिक लोकतंत्र उनके यहाँ नहीं, इससे साबित होता है उनके यहाँ पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, लोकतंत्र के समर्थक, ये देश के लिए बहुत घातक। यानी अगर लेकिन आप अमित शाह और मोदी के चरणों में वंदन करेंगे तो आप कुछ भी बन सकते हैं, और अगर आपने उनके समकक्ष होकर अपनी बात कहने की कोशिश की, हिम्मत की, तो आपको निकाल देंगे। नाना पटोले इसके एग्जाम्पल है। नाना पटोले जो इस समय कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पहले वो विधानसभा अध्यक्ष होते थे, याद होगा, नाना नाना पटोले। नाना पटोले 2014 से 2019 वाले टेन्योर में 2017 तक या 18 तक हुआ इनके सांसद रहे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर वो गए थे। नाना पटोले ने कोई सवाल उठाया संसदीय संसद के अंदर, जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी, कांग्रेस संसद की सांसदों की मीटिंग चल रही थी लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने अपने भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में उन्होंने ये सवाल उठाया। सवाल उठाते ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कोई सवाल उठाया था, किसानों के कर्ज माफी को लेकर या कर्ज के लेकर कोई सवाल उठाया, उनके हालात को लेकर। तो नाना पटोले ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी, आप भी सांसद हो, मैं भी सांसद हूं, ठीक है, 273 सांसदों ने आपको प्रधानमंत्री चुन लिया है, इसलिए आप प्रधानमंत्री और मैं सांसद, लेकिन हमारे और आपके में डिफरेंस नहीं। और यही कहते हुए उन्होंने कहा, आप किसानों की बात नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2018 में, आपको याद होगा, और उसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती भी थी वहां उस सीट पर, जिस सीट पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
लेकिन ये 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 चीज पता चल जाती है ना कि वहां पर राजनाथ सिंह कुछ नहीं बोलते, चुप, गडकरी को साइडलाइन किया हुआ है, योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने की कोशिश, मतलब वहां पर। और सुनिए, सुशील मोदी थे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होते थे जब 2020 में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उनको क्या किया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। हटाया कि नहीं हटाया, जब नीतीश कुमार से और कांग्रेस भाजपा की सरकार बनी थी, बाद में नीतीश कुमार जी हट गए उनसे, तो नीतीश कुमार को वो सुशील मोदी को मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि वह अपने से अच्छे लोगों को, अपने से ज्यादा समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं नरेंद्र मोदी, अपने से काबिल लोगों से डरते हैं नरेंद्र मोदी। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप समझ लीजिए, ये लोग पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं, अपने से काबिल लोगों से डरते हैं। अब ये ठीक है, एक प्रोपोगंडा बन गया है, आरएसएस इनके साथ खड़ी है और ये लड़ाई चल रही है, एक नफरत का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, इसलिए कुछ इनको वोट्स मिल जाते हैं और मोदी मीडिया इनके साथ खड़ी हुई, क्योंकि इनकी कमियों को उजागर नहीं करती। मोदी की सत्ता जाएगी और यही आपस में लड़ाई झगड़े से, इसी कुकृत्यों से, आपस में मारपीट से, अभी तो मारपीट होगी उनके यहाँ, देख लीजिएगा जब ये बैठक होगी, देखिएगा कपड़े कुर्ते फाड़े जाएंगे एक दूसरे के, देखो मारपीट होगी, देख लीजिएगा ये स्थिति होगी। लेकिन प्रवक्ता साहिब जी, एक सवाल और है कि अगर मान के चलिए कि वसुंधरा राजे जी को अगर सीएम नहीं बना पाते हैं, तो फिर ऐसे हालात में दिल्ली से लेकर के राजस्थान की राजनीति के अंदर क्या ये मौसम बनने वाला है, राजनीति देखा जाए परिप्रेक्ष्य तो माहौल क्या, किस तरीके का बनेगा अगर वसुंधरा राजे जी को अगर नहीं बना पाए? मैं आपको कुछ राज्य बता देते हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग अपने आप को दिखाती है, वो कुल मिलाकर 185 सीट है, वो खासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यही कुछ, झारखंड, ये सब कुछ मिलाकर 185 सीट है, जिसमें से 160-170 सीट ये जीते और 20-25-30 सीट बाहर से कहीं से ला दे, इधर उधर पूरे नॉर्थ ईस्ट लगा के, इधर उधर से और उत्तराखंड से भी कुछ एक दो सीट हिमाचल से। इसके अलावा इनके पास 200 सीट से ऊपर का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी को इसी चीज की घबराहट थी, नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं रखना चाहते भारतीय जनता पार्टी में, कि जो उनके बाद जो है नंबर दो पे रहे और वो प्रधानमंत्री का, एनडीए का, अभी तो एनडीए की सरकार थोड़ी चल रही है, ये तो मोदी की सरकार चल रही है ना, एनडीए की सरकार तो है नहीं, लेकिन अगर बहुमत से कम हुए और बहुमत के आसपास पहुंचने का आंकड़ा अगर कहीं पहुंचा, तो वह दूसरे जो सहयोगी दलों की भूमिका, क्योंकि तो वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सॉफ्ट रहेंगे, ऐसे सॉफ्ट लोगों के चेहरे को वो किनारे कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवरदार साहब जी, आपने भी इसकी थी हमें समय दिया, लेकिन खबर यही चल रही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को जो है हो सकता है वसुंधरा राजे जो है पेश फंसा दें, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होनी थी अब वो टल चुकी है, और जब ये बैठक चल रही है तो इसी को लेकर के कवायतें चल रही हैं कि अब क्या कुछ हो सकता है और आने वाले समय में ये क्या जो है ये रूपरेखा तैयार होने वाली है, देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी लगातार जो मीटिंग कर रही हैं, विधायक दल से जो है बैठकें कर रही हैं, क्या कुछ नया निर्णय लेने वाली है। फिलहाल के लिए इजाजत, धन्यवाद।